दोस्तों गोदी मीडिया की चहेती एंकर चित्रा त्रिपाठी एक बार फिर चाटुकारिता के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार और मोदी जी के प्रति चित्रा त्रिपाठी की निष्ठा और चाटुकारिता किसी से छिपी नहीं। वो आए दिन सरकार और प्रधानमंत्री की चरण वंदना वाली खबरें और ट्वीट करती रहती हैं। इस बार उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लेकर ऐसा ट्वीट किया है जिसे लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जमकर लताड़ लगा रहे हैं। एक ओर जहां विपक्ष सहित तमाम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जबरदस्ती किए गए बदलावों का विरोध कर रहे हैं, वहीं गोदी एंकर त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, शेर दहाड़ते हुए ही अच्छा लगता है, जिसके बाद से तमाम यूजर्स उनके ट्वीट को लेकर हमलावर हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नव निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। ये प्रतीक चिन्ह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे नए संसद भवन में एक विशाल अलंकरण जैसा है, लेकिन इसके अनावरण के बाद से इसमें हुए बदलावों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मूल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सांची स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जहाँ अशोक स्तंभ की लाट पर बने शेर शांत और निगरानी वाली मुद्रा में है, वहीं नए प्रतीक चिन्ह में बने शेर एग्रेसिव और दहाड़ती मुद्रा में है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की चोरी और हेरा फेरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जब तमाम लोग और विपक्ष राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में हुए बदलाव का विरोध कर रहे हैं, तब चित्रा त्रिपाठी द्वारा इस बदलाव के समर्थन में ये लिखना कि शेर दहाड़ते हुए अच्छा लगता है, ये बात बदलाव का विरोध कर रहे लोगों को तनिक भी पसंद नहीं आई, और अब लोग चित्रा के इस ट्वीट को लेकर उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने चित्रा के इस ट्वीट का मजाक उड़ाते हुए कहा, शेर दहाड़ते हुए अच्छा लगता है, हाँ जब तक आप उसके सामने न हो। एक यूजर ने कहा, चीन के सामने, महंगाई के सामने, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने, बेरोजगारी के सामने, भुखमरी के सामने, देश के बिगड़ते माहौल के सामने, अगर इन सब के सामने शेर दहाड़ता तो ज्यादा बेहतर होता। सुप्रिया सिन्हा कहती हैं, तेरा शेर चीन पे कब दहाड़ेगा। लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे कहते हैं, पहले राष्ट्रीय चिन्ह के शेरों का मतलब तो समझ लीजिए आप लोग। मोदी की चापलूसी में चित्रा के इस भद्दे ट्वीट पर एक यूजर ने कहा, एक बेवकूफ आदमी की हर मूर्खता को डिफेंड करना है, चाहे भले बदले में देश के इतिहास, उसके सम्मान, उसके प्रतीकों का अपमान करना पड़े, यह सब करके कितने दिन सरवाइव करोगी, एक ना एक दिन तो यह पागलपन खत्म होगा, फिर क्या करो। ये दहाड़ डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को नहीं रोक सकी, ये दहाड़ चाइना को घर में घुसने से नहीं रोक सकी, ये दहाड़ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को न रोक सकी, ये दहाड़ पेट्रोल और गैस के बेतहाशा बढ़ते दाम को न रोक सकी, ये दहाड़ कोरोना काल में बढ़ती मृत्यु दर कम न कर सकी। मतलब यही है कि मालिक अगर थूक दे तो आप जैसे लोग चाटने के फायदे बताएंगे। प्रणव मिश्रा कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं लगता, दहाड़ने वाला शेर ही चाहिए तो एक या दो और लगा लेते, अशोक स्तंभ के शेर के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत ही क्या आन पड़ी। पत्रकार भी पत्रकारिता करते ही अच्छी लगती हैं, अंधभक्ति करते हुए नहीं।